वैसाखी का टाइम है तो गिद्दे तो बनते ही हैं सबके, और ये जश्न की रात है, और सारे जो पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड की तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, इसके अंदर मुंबई में मोस्ट जितने पंजाबी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत सलीके से और उत्साह से बैसाखी मना रहे हैं। सबको बैसाखी बहुत बहुत बधाई। मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है ना, आई एम गुजराती तो मैं गरबाई खेल सकती हूँ, मैं गिद्दा नहीं पा सकती, और मैं पोंगल नहीं मना सकती, मैं दुर्गा पूजा नहीं घर पे रख सकती। मुझे ऐसे लगता है कि इट्स एन इंडियन फेस्टिवल, और एंड आई एम ग्लैड कि आई वॉज पार्ट ऑफ दिस शो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज ऐसे शो का हिस्सा बनना, दूसरों को भी प्रोत्साहन देना, और अपने लिए भी एक ऐसी अपने आप को भी, मुझे भी लगता है दैट आई शुड डू मोर, आई शुड डू एंटरटेन मोर, एंड हाउ मच पीपल लव मी दैट मुझे यहाँ आके पता चला। इतने आई हाँ, विसाखी का माहौल है तो गिद्दा ना होए जान तो पहला तो यह तो हो नहीं सकता। इतने मेरी सहेलियाँ है चार पाँच जिड़िया, उन्होंने गिद्दा नहीं आता मैं सिखा सकती, गिद्दा सीखना चाहता मेरे को, मेरी भैन वो कुछ सहेलियाँ है मेरिया उत्ते आलियाँ नहीं, उत्ते आलियाँ थले आते हैं तीन मिनट लग जाने, वो तो बस फड़नी पैनी है थले आने को, कदम भी मलेरिया नहीं हो सकता। ओहो सच्चे पास अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट यू नो वैसाखी का यू नो सेलिब्रेशन है, और जब आप पंजाब से इतने दूर रहते हैं तो वापस आकर आपको लगता है कि वापस पंजाब में आ गए, इतने सारे पंजाबियों को देख कर यू नो सब वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि आप पंजाब में नहीं, आई थिंक यहाँ पे एक अलग पंजाब बता रही है, बट काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा चलो फिर कर दो जो भी ना अपना कंप्यूटर जी, कहते खेतों में पीपल की छां होए। ये सारे शिव कुमार बटाली आए हैं इतने, नॉर्मल बंदा कोई नहीं आया। हाँ जी जी कहते कि खेतों में पीपल की छां होए। हाँ जी बस एक ही शौक है जट का कि तेरी माँ मेरी छां हो, तेरी सास मेरी माँ हो। हेरिटेज है पंजाब का जो कल्चर है वो वैसे तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन पंजाब के बाहर जब हम आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले नौजवान हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए। और ये बैसाखी और लोहड़ी का त्यौहार जो है ये देश विदेश में सब जगह मनाया जाता है, तो उसी तरह से हम मुंबई में मनाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे आइकॉन्स हैं कम्युनिटी के वो इस स्टेज पर आएँ, इस मंच पर आएँ, हम उनको सम्मानित करें, वो इसलिए कि दे विल इंस्पायर द यंगस्टर्स। To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.